दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने हेट्रो हेल्थ केयर का एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है ओपॉक्स 50। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ओपॉक्स 50 जो है ये एक तरीके का ड्राई सिरप है जिसके अंदर ड्राई पाउडर के साथ साथ स्टेराइल वाटर भी मौजूद होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी कि इसके बनाने का क्या तरीका होता है, सस्पेंशन को तैयार करने का क्या तरीका होता है और साथ ही साथ इसको कैसे यूज़ करना है। और दोस्तों, एक बहुत ख़ास चीज़ होती है जो कि सारी दवाइयों के लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वो है इसके साइड इफ़ेक्ट। क्योंकि कभी कभी हम दवाइयाँ लेते हैं तो कुछ उसके छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ख़ासकर बच्चों में जब वो साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं तो कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अरे हमने दवा दी तो अचानक से ये क्या होने लगा। तो दोस्तों, कभी भी कोई मेडिसिन आप लें तो उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी ज़रूर जान लें, जिससे कि अगर जो साइड इफ़ेक्ट दवा के हैं वो हों तो आप परेशान ना हों, उससे अलग हटके हों तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आपके सामने जो ये सिरप रखा है इसका जो ये मेन फार्मूला है वो है सिफपोडॉक्सिम प्रोक्सेटिल, जो कि एक ओरल सॉल्यूशन है आईपी का 50 mg। आईपी मींस इंडियन फार्माकोपिया। दोस्तों, ये बच्चों का सिरप है। अब बात करेंगे दोस्तों इसमें कि ये सिरप यूज़ कब करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी टाइप का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों में होता है, जैसे उनका पेट ख़राब होना, बहुत ज़्यादा लूज मोशन आने, किसी और वजह से अगर उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कुछ और उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो जो ये ओपॉक्स 50 है ये बच्चों को बहुत इमीडिएटली इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा असर भी दिखाता है और बच्चों को आप अपने दें तो उसको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि इस सोल्यूशन को हम तैयार कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये सस्पेंशन को तैयार करने का तरीका देखिए, साइड में उधर बॉटल पे भी आपकी ये पैक पे मेंशन है कि इसके अंदर जो पाउडर दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसको पहले अच्छे से शेक कर लें, जिससे कि अगर पाउडर नीचे बैठा है तो वो लूज़ हो जाए, टाइट फिट ना रहे, जिससे कि अगर जब आप इसमें इस जो वाटर दिया हुआ है अलग से स्टराइल वो अगर मिला है तो वो अच्छे से मिल जाए। पाउडर लूज़ करने के बाद फ्रेंड, जो इसके साथ वो बॉटल को ओपन कर लें, साथ ही साथ जो स्टराइल वाटर दिया हुआ है उसको ओपन करें, 2/3 इसका पॉइंट इसमें मिलाएं और फिर अच्छे से खूब शेक करें, जिससे कि जितना पाउडर है वो उसमें पानी में अच्छे तरीके से घुल जाए। उसके बाद दोस्तों, इसमें मार्क दिया हुआ रहता है बॉटल पे, बचा हुआ पानी जो उसमें वाटर है आपका स्टराइल, वो उस मार्क तक आप पूरा भर दें और फिर अच्छे से बॉटल को शेक कर दें। शेक करने के बाद जब अच्छे से आप देखें कि हाँ सोल्यूशन अच्छे से घुल गया है, तो आप इस सस्पेंशन को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें, जिससे अगर बचा कुचा कुछ भी पाउडर रह गया हो तो वो उस पानी में, उस वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। और फिर 5 मिनट बाद जब आप अपने बच्चे को डोज दें तो उसको फिर से एक बार शेक कर लें, जिससे कि पूरी दवाई जो है वो सोल्यूशन में घुल जाए, अच्छे से आपकी जो दवा है वो पूरे हर जगह पहुँच सके। दोस्तों, बॉटल्स पे भी मेंशन होता है कि शेक विल बिफोर यूज़, मतलब किसी भी टाइप का अगर सस्पेंशन है, सिरप है, ड्रॉप है, तो आप उसको अच्छे से शेक करके ही यूज़ करें, जिससे अगर नीचे दवा बैठी हो तो वो पूरे सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाए और आपके बच्चे को जो एक्यूरेट डोज है वो मिल सके। दोस्तों, अब बात करेंगे इसकी डोजेज की। तो दोस्तों, जो भी डोज है ये बच्चों का, ये शेड्यूल एच की ड्रग है, तो आपको अपने डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट करके ही अपने बच्चों को दवा दें, खुद से ये दवा अपने मन से ना दें, जितना अमाउंट वो पिलाएं उतना दें। वैसे 2 to 2.5 mg आप अपने बच्चों को ड्रॉप दे सकते हैं, 2 to 2.5 ml, यानी 2 to 2.5 ml आप बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आपका डॉक्टर जो अमाउंट बताए आप वही दें, क्योंकि शेड्यूल एच की ड्रग है और बच्चों के केसेस में हर दवा को डॉक्टर से कंसल्ट करके देना ही एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये जो मेडिसिन है ये वर्क कैसे करती है, इसका क्या काम है या बॉडी में जाके कैसे काम करती है। तो दोस्तों, ये एक तरीके की एंटीबायोटिक है, ये जाके जो बैक्टीरिया होती है, जो बैक्टीरिया अपने सेल को फॉर्म करके और नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ाती है, ये जाके उस सेल को, सेल की वॉल को तोड़ देती है, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं और उनको जो इन्फेक्शन है वो बढ़ने नहीं देता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप ये सिरप दे रहे हैं बच्चों को, ये सस्पेंशन पिला रहे हैं, तो
कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे तो वो क्या होंगे, जो अगर आपको जनरली दिखाई दे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हल्के फुल्के रैशेज़ आ सकते हैं बच्चों में, उनको नौजिया और वोमिटिंग फील हो सकता है, मतलब कि मतली और उल्टी फील हो सकती है, और हल्का फुल्का डायरिया का भी लग सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, ये दवा का साइड इफ़ेक्ट है, आप बिल्कुल भी परेशान न हो। लेकिन अगर ये साइड इफ़ेक्ट बहुत सीवियर है कि बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग या नौजिया फील हो रही है, या हद से ज़्यादा रैशेज़ हो गए हैं और डायरिया फील हो रहा है, या कुछ अदर साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है आपको, तो आप इमिडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों आपके सामने जो ये पैक रखा हुआ है, ये 18 ग्राम बाय 30 ml का पैक है, जिसकी MRP मैं आपको शो कर रही हूँ ऊपर बॉक्स पे। इसकी MRP 62 रुपये यानी 62 रुपये, साथ ही साथ इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दी हुई है, जो कि आपको कभी भी कोई भी मेडिसिन परचेज करें तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जाके हमारे पेज को लाइक करें। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे फिर एक नए प्रोडक्ट, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।